नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप और आपका परिवार हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा होगा। अपने पंजाबी.com को देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश अभी सही तरीके से आजादी का जश्न मना भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही विभाजन के काले साए ने पूरे देश को घेर लिया था। भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए वो दिन आज भी खुशी से ज्यादा दहशत मन में पैदा कर देने वाला होगा। विभाजन के दौरान उठे आतंक के तूफान ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करोड़ों लोगों को अपने घर परिवार जमीन जायदाद और रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। उस भयानक दौर में ये सभी एक दूसरे के बिना सोचे समझे दुश्मन बने हुए थे। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो जाति धर्म और देश से ऊपर उठकर इंसानियत निभा रहे थे, पीड़ित लोगों के साथ खड़े थे। अनेक लोगों ने उस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुतों की जान भी बचाई। सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा आगे आने वाले लोग थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बंटवारा फिर वो चाहे घर में हो या रिश्तों में हो या फिर देशों में, ये हमेशा दर्दनाक होता है। इस पीड़ा को सिर्फ वही अच्छे से समझ सकता है जिन्होंने इस दर्द को खुद सहा हो, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जिन्होंने अपनों को खोया हो, उन्हें ये दर्द आज भी ताजा ही लगता है। हमारे देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, कत्ल हुए। इस बंटवारे में तमाम लेखकों ने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी। साल 1947 बंटवारे के दरमियान हमारे पूरे देश खासकर पंजाब के लोगों ने हैवानियत की एक विराट झांकी देखी थी। पंजाबियत इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बर्बाद और शर्मसार नहीं हुई थी। लाखों मजलूमों के कत्ल, रेप, अपहरण, लूटमार, विश्वासघात और जबरदस्ती धर्मांतरण, उस वक्त आखिर हैवानियत का वो कौन सा ऐसा रूप था जिसको पंजाब के लोगों ने नहीं सहा? पंजाब के अल्पसंख्यकों का दोष सिर्फ इतना था कि वो रेड क्लिफ लाइन की इस दिशा में मौजूद थे। यहाँ पर उन्हें होना नहीं चाहिए था। इन सभी जगहों पर उनका नस्ली सफाया कर दिया गया और उनके नतीजे दहलाने वाले थे। पश्चिम पंजाब में हिंदू सिखों की गिनती 30% से कम होकर 1%, 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। लाखों की तादाद में लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए थे। बंटवारे की हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार पंजाब की अपनी महिलाओं को होना पड़ा। ऐसी हैवानियत के लिखते हुए हाथ कांप जाते हैं और बोलते हुए जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। इस दौरान बिना कपड़ों की औरतों के जुल्म निकालने और कईयों के स्तन काट देने जैसी अमानवीय घटनाएं हुई। ये सब कुछ पंजाब की सर जमीन पर हुआ और दूसरी ओर यहाँ पर सदियों से सिख गुरुओं और सूफी संतों ने मजहबी सहनशीलता, इंसानियत और दोस्ती की ही शिक्षा दी थी। अब ऐसी अमानवीय घटना को विडंबना कहें या संयोग, ऐसे समाज में एक ओर यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनके इंसानी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी जान से ज्यादा प्यारी उनकी इज्जत होती है और इसी के चलते किसी भी हिंसा में महिलाओं की अस्मिता को पहला निशाना बनाया जाता है। इसी विचार के साथ भारत के बंटवारे के दौरान भी महिलाओं को निशाना बनाया गया। औरतों पर ऐसी हैवानियत की शुरुआत मार्च 1947 की रावलपिंडी के दंगों से शुरू हो गई थी। थुआ खालसा के गांव में हिंदू सिख औरतें दंगाई से अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाकर मर गई थी। उनके बाद पंडित नेहरू ने खुद इस इलाके का दौरा किया और संत गुलाब सिंह की हवेली में लाशों से भरे इस कुएं को भी देखा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पंजाब के हर गांव में, हर शहर में अल्पसंख्यक औरतों पर यह कहर बरपाया गया। औरतों के साथ ये सुलूक मध्यकालीन समय के विदेशी हमलावरों जैसा था,
लेकिन इस बार जुल्म करने वाले पंजाब की सरजमी के अपने ही बाशिंदे थे। जितना जुल्म इन औरतों ने अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया, उनसे ज्यादा मानसिक तौर पर इन्होंने जुल्म सहा। उस वक्त हैवानियत इतनी हुई, इसे एक साधारण प्रवृत्ति मान लिया गया। इंसानियत की गुहार को तो एक समझ न आने वाली चीज मानकर दरकिनार कर दिया गया। बंटवारे के दौरान यह अनुमान लगाया जाता है कि करीब 25,000 से 29,000 हिंदू और सिख महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार, जबरदस्ती, धर्मांतरण और हत्या का शिकार हुए। चजलवंडी के कॉमरेड गहल सिंह को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इस तरह की इंसानियत और दोस्ती की पूर्वी और पश्चिम पंजाब में बहुत सारी मिसालें हैं। हमारी पीढ़ी ने विभाजन के उस भीषण कातिलाना दौर को नहीं देखा है, लेकिन जिन लोगों ने उसे सहा है, उस दौर को देखा है, आज भी जब वो उसे याद करते होंगे तो उनकी रूह कांप जाती होगी। पूरी दुनिया में अनेक ऐसे मौके आए हैं जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बना है। ऐसे लोगों को इतिहास की किताबों में चाहे जगह ना मिल पाए, ने बचाया है। उनके परिवार वालों के दिलों में आज भी उनके लिए सम्मान जिंदा हो। आज कुछ कहने को नहीं है, पंजाब ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन ये फिर भी पंजाब है, दिलदार है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।